नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। पड़ोसी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे आप जहां रहते हों वहां की बात करें, चाहे हम देश की बात करें, मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, ये सब जो हमारे से लगे हुए जो देश हैं उनके साथ संबंध अच्छा होना अनिवार्य है। साथ ही कौन लोग वहाँ जीत कर आ रहे हैं या कौन लोग शासन कर रहे हैं उस पर भी अन्य देशों की नज़र बनी रहती है। बांग्लादेश में होने वाले चुनावों पर भारत की क्या नीति है, क्या रणनीति है, आइए इस विषय पर जानते हैं। हाल ही में मालदीव में चुनाव हुए जिसमें भारत समर्थित सरकार बनी थी, वहीं अब बांग्लादेश में 30 दिसंबर को आम चुनाव हैं जिस पर भारत की नज़र बनी हुई है। बांग्लादेश में हुए साल 2014 के विवादास्पद चुनाव का जब दुनिया में कई देश विरोध कर रहे तो भारत ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। उस चुनाव को सफल बनाने के लिए मतदान के ठीक पहले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंह ढाका गई थी, लेकिन इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और बांग्लादेश एक बार फिर से चुनाव की तैयारी कर रहा है। 5 साल पहले बांग्लादेश के राजनीतिक दलों के साथ भारत ने जिस तरह सक्रियता दिखाई थी, इस बार उसका रत्ती भर भी नहीं देखने को मिल रहा है। इसी साल नेपाल और मालदीव में चुनाव हुए, इन दोनों मुल्कों में भारत की तरफ से किसी किस्म की सक्रिय भागीदारी नहीं दिखाई गई। इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बड़ी सावधानी के साथ इस बार बांग्लादेश चुनाव से दूरी बरत रहा है। साल 2014 में भारत ने जिस तरह अपना विदेश सचिव ढाका भेजा था वो अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में एक तबके ने भारत के इस पहल को एक दखलंदाजी के तौर पर देखा था। हालांकि भारत का इरादा बांग्लादेश को संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ने से रोकना था। बांग्लादेश में पिछले चुनाव को लेकर इतने सारे सवाल इसलिए उठे थे कि प्रमुख विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं है। माना जा रहा है कि इस बार में के चुनाव में बांग्लादेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां इसमें हिस्सा लेंगी। शायद यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत को इस बार बांग्लादेश के चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भारत और बांग्लादेश के बीच 2015 में एक ज़मीन समझौता हुआ था। यह मुद्दा 41 वर्षों से दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी अड़चन बना हुआ था। इस समझौते के तहत 111 बस्तियां बांग्लादेश गईं और 51 बस्तियां भारत में आई थीं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।